अब हम हैलोजन के ऑक्सो अम्लों के बारे में जानेंगे। हैलोजन विभिन्न प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, जैसे हाइपोहैलस अम्ल, हैलस अम्ल, हैलिक अम्ल और परहैलिक अम्ल। तो ये जो ऑक्सो अम्ल ये बनाते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जब ये हाइपोहैलस अम्ल बनाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हैलस अम्ल में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हैलिक अम्ल में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और परहैलिक अम्ल में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसके अलग अलग जो तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये विभिन्न प्रकार के हैलस या हैलिक अम्ल बनाते हैं, तो वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोहैलस अम्ल कौन कौन बनाते हैं। हाइपोहैलस अम्ल बनाने की प्रवृत्ति फ्लोरीन से आयोडीन तक सभी की होती है। HOF, HOCl, HOBr, HOI। तो हाइपोफ्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल और हाइपोआयोडस अम्ल कहा जाएगा। और यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रत्येक हैलोजन परमाणु की होती है। दूसरा जो वर्ग है हैलस अम्ल का, यहाँ HOXO प्रकार के ये हैलस अम्ल होते हैं, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो HOClO, केवल क्लोरीन ही हैलस अम्ल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आयोडीन, फ्लोरीन एवं ब्रोमीन ये हैलस अम्ल नहीं बनाते हैं। तो क्लोरस अम्ल बनाने की प्रवृत्ति केवल क्लोरीन की ही होती है। अगला वर्ग है हैलिक अम्ल का। इसका सूत्र होगा HOXO2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। तो फ्लोरीन और किसी भी प्रकार का ऑक्सो अम्ल नहीं बनाता है, केवल वह हाइपोहैलस अम्ल ही बनाता है। क्लोरीन का जो ऑक्सो अम्ल होगा, यहाँ हैलिक अम्ल होगा HOClO2, ब्रोमीन के लिए HOBrO2, आयोडीन के लिए HOIO2। तो यहाँ नाम सभी का अलग अलग होगा, क्लोरिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल और आयोडिक अम्ल। अगला वर्ग है परहैलिक अम्लों का, जो सूत्र है HOXO3। तो X की जगह पे हम भिन्न भिन्न जो हैलोजन परमाणु है उसे रखते जाएंगे। जैसे यदि क्लोरीन रखते हैं तो HOClO3, HOBrO3, HOIO3। तो नाम भी उसी आधार पर होगा, पर क्लोरिक अम्ल, पर ब्रोमिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल। तो यहाँ पर जो पर हैलिक अम्ल होते हैं, यहाँ हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। जब हम अलग अलग हाइपोहैलस अम्ल की संरचना या हैलस अम्ल की संरचना देखते हैं, तो हाइपोहैलस अम्ल HOX के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हैलस अम्ल में OH बॉन्ड है और X और O के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार जो हैलिक अम्ल है, यहाँ एक OH बॉन्ड है और X और O के बीच में दो ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन हैलोजन के साथ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। पर हैलिक अम्ल में भी एक OH बॉन्ड है, जिसमें OH, X तीन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए है, X डबल बॉन्ड O, X डबल बॉन्ड O और X डबल बॉन्ड O। तो ये अलग अलग संरचनाएं हैलस अम्ल की होती हैं कॉमन रूप से। अब हम अलग अलग जो ऑक्सो अम्ल हैं उसके बारे में जानेंगे कि ये विभिन्न प्रकार के जब आयन्स बनाते हैं तो इनकी संरचना कैसी होती है। तो प्रायः इसमें जो भी केंद्रीय हैलोजन परमाणु, उसमें sp3 संकरण होता है और एक OH बॉन्ड प्रायः सभी में होता है और हैलस अम्ल को छोड़कर सभी में X डबल बॉन्ड O भी पाया जाता है। हाइपोहैलस अम्ल जो होता है उसमें केवल X डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता है, जबकि हैलस अम्ल, हैलिक अम्ल और पर हैलिक अम्ल सभी में X डबल बॉन्ड O पाया जाता है। यहाँ पर जो X और O के बीच में डबल बॉन्ड है वो dpi ppi प्रकार के अतिव्यापन से बनता है। सभी प्रकार के जो हाइपोहैलस अम्ल हैं HOF, HOCl, HOBr और HI, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब हम जो हाइपोहैलस अम्ल है उससे जो आयन बनता है तो उस आयन को कहा जाता है
सबसे पहले हम जानेंगे हाइपोहैलाइट आयन यानी एक्स ओ माइनस की संरचना। तो इसमें भी जो एक्स है हैलोजन है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा और जो एक्स है उसमें तीन लोन पेयर दिखाई दे रहा है, एक्स के साथ तीन लोन पेयर है और एक्स ओ माइनस। तो इन तीन लोन पेयर्स के कारण इसकी जो संरचना है वो रेखीय होती है, जबकि sp3 संकरण में आप सभी जानते हैं कि चतुष्फल की संरचना होती है, लेकिन तीन तीन लोन पेयर के कारण VSEPR थ्योरी के आधार पर प्रतिकर्षण बहुत अधिक हो गया तो संरचना विकृत होकर रेखीय हो जाती है। जो ये हाइपोहैलस अम्ल होते हैं वो बहुत अस्थायी होते हैं और तुरंत ये अपघटित हो जाते हैं हैलिक अम्ल में। तो जब ये अपघटित होते हैं तो 3HOX इज इक्वल टू HOXO2 प्लस 3HX। तो इस प्रकार से अपघटित होकर ये हैलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। अगला हम देखेंगे हैलस अम्ल जिससे आयन बना है हैलाइट आयन। तो यदि हम क्लोराइट आयन की संरचना देखें यानी OClO- की संरचना देखेंगे तो यहाँ पर Cl के साथ हम देख रहे हैं दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसमें X के साथ या Cl के साथ डबल बॉन्ड O और इधर Cl के साथ सिंगल बॉन्ड O- और Cl पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस दो लोन पेयर के कारण इसकी संरचना वी शेप हो गई जैसे जल की संरचना होती है। भले ही इसमें sp3 संकरण है लेकिन अब इसकी संरचना विकृत होकर वी आकार की हो जाती है और जो क्लोराइड आयन है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। अब हम जानेंगे जो हैलिक एसिड से बनने वाला आयन है, हैलिक एसिड से हैलेट आयन बनता है। तो हैलेट आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होगा और यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। देखिए एक्स एक लोन पेयर है और एक्स के साथ डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस। तो ये हैलेट आयन को दर्शाता है। एक्स की जगह पे आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो अलग अलग यदि हम आयन अलग अलग यदि हम अम्लों को देखेंगे तो क्लोरिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल और आयोडिक अम्ल HOCl डबल बॉन्ड ओ Cl डबल बॉन्ड ओ HOBr डबल बॉन्ड ओ Br के साथ डबल बॉन्ड ओ ब्रोमिक अम्ल, आयोडिक अम्ल HOI के साथ डबल बॉन्ड ओ तो ये आयोडिक अम्ल बनता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है और इस एक लोन पेयर के कारण इसकी जो संरचना है वह भी विकृत होकर के पिरामिडी हो जाती है। यहाँ भी VSEPR थ्योरी के आधार पर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण उच्च होने के कारण जो अणु की संरचना होती है या आयनों की संरचना होती है वो विकृत होकर के अलग संरचना धारण कर लेती है। अब हम जानेंगे परहैलेट आयन। जो परहैलेट आयन होते हैं जैसे कि XO4- तो यहाँ पर ये बनता है परहैलिक अम्ल से। तो यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जैसे पर क्लोरिक अम्ल, पर ब्रोमिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल। तो इसकी जो संरचना होगी वो चतुष्फल की होगी क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है इस संरचना में पर हैलेट आयन्स में। एक्स ओ माइनस और एक्स के साथ तीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है जो पर हैलेट आयन बनने के कारण है और यहाँ पर एक्स पर एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसकी संरचना विकृत नहीं होती है जैसा कि sp3 संकरण में चतुष्फल की संरचना होती है वैसे ही संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे पर क्लोरिक अम्ल की संरचना को हम देखेंगे HO फिर Cl के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है OH और डबल बॉन्ड O Cl के साथ डबल बॉन्ड O फिर डबल बॉन्ड O। तो यहाँ भी इसकी संरचना चतुष्फल की ही होती है। अब हम इसके अम्लीय सामर्थ्य के बारे में जानेंगे। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है इन ऑक्सो अम्लों का जो अम्लीय सामर्थ्य है वो भी बढ़ेगा। यदि हम क्लोरीन के विभिन्न ऑक्सो अम्ल को देखें HOCl, HOClO या HOClO2, HOClO3 यानी हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल, क्लोरस अम्ल या परक्लोरिक अम्ल, तो सभी में जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है ये ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर जो क्रम होगा HOCl
से ज़्यादा होगा अम्लीय सामट HOClO का, उससे ज़्यादा होगा HOClO2 का, उससे ज़्यादा होगा HOClO3 का। यहाँ पर जो अलग अलग आयन्स बनते हैं वो H+ आयन के रिमूवल के आधार पर है, तो इसी आधार पर इसके अम्लीय सामर्थ्य को हम समझ सकते हैं। जैसे परक्लोरिक अम्ल जब अपघटित होता है, अपघटित होकर ये H+ आयन देते हैं, तो HClO4 इज इक्वल टू H+ प्लस ClO4-। तो यहाँ पर H+ के बनने के कारण ये अम्लीय नेचर को दर्शाते हैं। अब यदि हम विभिन्न ऑक्सो अम्ल को लेते हैं अलग अलग हैलोजन परमाणु के लिए, तो ऋण विद्युता के आधार पर या जिसका आकार छोटा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना अधिक होता है। तो परक्लोरिक अम्ल के विभिन्न उदाहरण लेंगे, जैसे कि क्लोरीन के लिए तो HOClO3 सबसे अधिक अम्लीय होगा, फिर HOBrO3 और फिर HOIO3, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो क्लोरीन के ज़्यादा पास होगा, क्योंकि क्लोरीन का आकार छोटा होता है, अधिक ऋण विद्युति होता है। अधिक ऋण विद्युति होने के कारण वो क्या करेगा, जो OH है उसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जब ये OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो OH के बीच का जो बंध है वह दुर्बल होगा, और जिस परमाणु की ऋण विद्युता जितनी ज़्यादा होती है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतनी ही तेज़ी से आकर्षित करते हैं। तो जब OH के बीच का बंध दुर्बल होगा तो H+ आसानी से निकल सकता है। तो इसलिए जो परक्लोरिक अम्ल होगा वो सबसे अधिक अम्लीय नेचर का होता है। इसी तरह से यदि हम हाइपोहैलस को कंपेयर करेंगे, हाइपोहैलस के विभिन्न जो हैलोजन के उदाहरण हैं जैसे कि HOCl, HOBr और HOI, तो सबसे अधिक जो ऋण विद्युति है वो Cl है। तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींच रहा है, OH के बीच का जो बॉन्ड है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचता है, तो OH के बीच का जो बंध है वह दुर्बल होगा और H+ आसानी से निकल जाता है। तो सबसे अधिक जो अम्लीय नेचर होगा वो HOCl का होता है। तो ये सभी में हाइपोहैलस के जो उदाहरण हमने देखा या पर हेलिक अम्ल के उदाहरण देखा हमने, तो सभी में क्लोरीन के जो ऑक्सो अम्ल होंगे वो अधिक अम्लीय नेचर को दर्शाते हैं, क्योंकि वो अधिक ऋण विद्युति तत्व होते हैं। अब हम इसके ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को जानेंगे। तो किसी भी एक हैलोजन के लिए जो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है वो उसके एनायनों के स्थायित्व पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा उसका एनायन स्थायी होगा ऑक्सीकारक गुण उतना ही कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर HClO4 से ज़्यादा होता है HClO3 में, फिर HClO2 और HClO, तो ऑक्सीकारक गुण जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर HClO का सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, HClO4 का सबसे कम होता है। अब हम जानेंगे अंतर हैलोजन यौगिक, जो कि हैलोजन परिवार के तत्वों के द्वारा बनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिकों का वर्ग है। तो हैलोजन विभिन्न हैलोजनों के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ये आपस में संयोग करते हैं, ये आपस में ही एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर अलग अलग प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे XX प्रकार, XX3, XX5 और XX7, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ये अलग अलग अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं। तो XX के कुछ उदाहरण आप देखिए, XX दोनों ही XX है, तो यहाँ पर एक X बड़े आकार का होगा और एक X छोटे आकार का होगा, या एक X की ऋण विद्युता अधिक होगी और एक X की ऋण विद्युता कम होगी। जिसकी ऋण विद्युता कम होगी उसे पहले लिखा जाएगा और जिसकी ऋण विद्युता ज़्यादा होगी उसे बाद में लिखा जाता है। तो XX में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, CLF, BRF, IF, ICL, IBR। तो जैसे ICL को हम देखते हैं तो I की ऋण विद्युता CL से कम होती है तो उसे पहले लिखा जाएगा, और CL की ऋण विद्युता I से ज़्यादा है इसलिए उसे बाद में लिखा गया। इसी तरह से CLF, तो CL की ऋण विद्युता फ्लोरीन से कम है तो CL पहले लिखा जाएगा, फ्लोरीन उच्च ऋण विद्युति है उसे बाद में लिखा गया। अब हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं XX3, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे ClF3, BrF3, IF3, ICL3। XX5 जहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, CLF5, BrF5,
IF5। XX7 जो है उसमें केवल एक ही उदाहरण है IF7। ये जो अंतर हेलोजन यौगिक होते हैं ये ध्रुवी प्रकृति के होते हैं और ये सहसंयोजी भी होते हैं। यहाँ पर ध्रुवी प्रकृति के होने का कारण यही है क्योंकि दोनों हेलोजनों के ऋण विद्युतता में बहुत अधिक अंतर होता है, तो अंतर होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति भी एक की अधिक होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उस पर आंशिक ऋणावेश और जिससे वो लेगा उस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। भौतिक अवस्था। अंतर हेलोजनों में जो CLF होता है वो 298 केल्विन टेम्परेचर पर गैसी प्रवृत्ति का होता है और इसके अतिरिक्त जितने भी हैं सभी वाष्पशील ठोस या द्रव रूप में पाए जाते हैं। और ये जो अंतर हेलोजन होते हैं ये विभिन्न हेलोजनों के मध्यवर्ती होते हैं, अर्थात इनके जो गुण हैं वो दोनों हेलोजन परमाणुओं के मीडिएटर होते हैं, मतलब बीच के गुण होते हैं। अंतर हेलोजन यौगिकों के जो गलनांक है, क्वथनांक है, वो भी अधिक होते हैं। अब हम जानेंगे अंतर हेलोजन यौगिकों की क्रियाशीलता। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हेलोजन अधिक क्रियाशील होगा या अंतर हेलोजन अधिक क्रियाशील होते हैं। तो इसमें अंतर हेलोजन जो है वो हेलोजन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसका कारण यही होगा कि जो हेलोजन हेलोजन के बीच यदि समान हेलोजन है तो समान हेलोजन के बीच अलग तरह से अतिव्यापन होगा और जो भिन्न हेलोजन है उनके मध्य होने वाला जो अतिव्यापन है वो थोड़ा अलग होता है। तो दो अलग अलग हेलोजन परमाणु के कक्षकों के बीच होने वाला जो अतिव्यापन होता है वो शुद्ध हेलोजन परमाणु के बीच होने वाले अतिव्यापन की तुलना में थोड़ा कम प्रभावी होता है। इसका अर्थ क्या है कि जब दो अलग अलग हेलोजन आपस में जुड़ते हैं तो चूंकि उनके ऋण विद्युतता में भी अंतर होता है तो उसके अतिव्यापन होने की जो टेंडेंसी है या उसकी जो सीमा है वो भी थोड़ी सी कम होती है। जबकि हेलोजन हेलोजन यदि समान है तो वहाँ पर अतिव्यापन अधिक प्रबल होता है, तो इसलिए वो कम क्रियाशील होते हैं। और दो अलग अलग हेलोजन से इंटर हेलोजन बना है तो उसमें जो होने वाला अतिव्यापन है वो थोड़ा कम प्रभावी होने के कारण बॉन्ड जो है वो वीक होगा, दुर्बल होगा और इस वजह से वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और चूंकि दो भिन्न हेलोजन हैं तो ऋण विद्युतता में भी अंतर होता है तो ध्रुवी प्रकृति उत्पन्न होती है इसी कारण। तो ध्रुवी प्रकृति होने के कारण भी जो बंध ऊर्जा का मान है वो कम हो जाएगा और क्रियाशीलता का मान बढ़ता है। अगला हम देखेंगे अंतर हेलोजन यौगिकों के तापीय स्थायित्व के बारे में। तापीय स्थायित्व से संबंधित एक उदाहरण हम सबसे पहले जानेंगे। यदि IF, BRF, CLF और ICL इस तरह का यदि हम कुछ उदाहरण लेते हैं अंतर हेलोजन यौगिक में, तो इसमें सभी में हम देख रहे हैं कि हेलोजन के आकार में अंतर है और दो अलग अलग हेलोजन है ऋण विद्युतता में अधिक अंतर है। तो जितना ज़्यादा आकार में डिफरेंस होगा, जितना अधिक ऋण विद्युतता में अंतर होगा, तापीय स्थायित्व में कमी आती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आई जो है वो बड़ा होता है आकार में और फ्लोरीन से काफ़ी अधिक बड़ा होता है, तो इसका तापीय स्थायित्व जो है वो यहाँ सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे अंतर में वृद्धि होगी, ऋण विद्युतता में अंतर में वृद्धि होगी, तापीय स्थायित्व के मान में कमी होती जाती है। IF के लिए जो ऋण विद्युतता का मान है, यदि यहाँ ऋण विद्युतता में डिफरेंस को देखेंगे तो 1.5, BRF में 1.2, CLF में 1, ICL में 0.5, IBR में 0.3 और BRCL में 0.2। तो यदि अलग अलग यौगिक और उनके ऋण विद्युतता में जो डिफरेंस है उसको चेक करेंगे तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं ऋण विद्युतता के मान में कमी होती जा रही है तो तापीय स्थायित्व का मान भी कम होता जाएगा। क्योंकि जहाँ पर बहुत अधिक बड़े आकार का यौगिक है, यानी दोनों में ऋण विद्युतता में डिफरेंस ज़्यादा है, तो वहाँ जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होगी। तो तापीय स्थायित्व धीरे धीरे बॉन्डिंग वीक होते जाने पर तापीय स्थायित्व का मान कम होता जाएगा।